सलमान खान ने अपनी माँ की गोद को बताया जन्नत, आराम करते हुए शेयर की खूबसूरत सेल्फी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। उनकी एक झलक पाने के लिए उनके फैंस कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। सलमान खान एक सुपरस्टार होने के साथ साथ एक फैमिली मैन भी है। फिल्मों में व्यस्तता के बावजूद वो अपने परिवार को पूरा वक्त देते हैं। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि एक पूरा लंबा परिवार एक साथ समय बिताता है और एक वक्त में और एक साथ खाना खाता है। सलमान खान का परिवार हर त्यौहार या फैमिली इवेंट पर एक साथ समय गुजारता है। सलमान ना सिर्फ अपने भाइयों के करीब है बल्कि अपनी माँ बाप के भी बेहद करीब है। सलमान खान की माँ सलमा खान भी अपने बच्चों के साथ वक्त बिताती है। सलमान अपनी माँ के बहुत करीब है। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में अपनी माँ का जिक्र करते रहते हैं। सलमान ने अपने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी माँ की गोद में आराम करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी और अपनी माँ सलमा खान की एक खूबसूरत सेल्फी शेयर की है। इस सेल्फी में वो अपनी माँ की गोद में आराम करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों माँ बेटे के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल है। सलमान अपनी माँ की गोद में लेटकर सुकून में नजर आ रहे हैं। सलमान ने यही नहीं अपनी इस फोटो के कैप्शन में लिखा कि माँ की गोद जन्नत। सलमान की ये तस्वीर उनके चाहने वालों को बहुत पसंद आ रही है। सलमान अपनी शूटिंग की व्यस्तताओं के बावजूद न सिर्फ अपनी माँ के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं बल्कि इस मोमेंट को दुनिया का सबसे खूबसूरत मोमेंट भी बता रहे हैं। सलमान की माँ सलमा खान है लेकिन सलमान अपने पिता की दूसरी पत्नी हेलेन को भी अपनी माँ का दर्जा देते हैं, उन्हें भी अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। सलमान का पूरा परिवार एक साथ मौजूद रहता है। इस समय इतने बड़े परिवार का इस तरह एकजुट दिखाई देना वाकई में एक बड़ी बात है। आपको बता दें, सलमान खान फिलहाल टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली से जुड़ी अपडेट सामने आई थी। ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। सलमान खान पिछली बार अपने जीजा आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम में दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।